हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का पॉपुलेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिटरेसी रेट, यानी साक्षरता दर। लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ओनली एन इंफॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो लिटरेसी, साक्षरता जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है किसी भी जनसंख्या का। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीज़न, कि एक एजुकेटेड और तो जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनके पास में चॉइसेस होती हैं और वो अंडरटेक कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स को या प्रोजेक्ट्स को। यानी जिस कोई भी चीज़ अगर हम समझाना चाह रहे हैं तो वो आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको मायने रखते हुए जो एजुकेटेड पीपल्स हैं वो उन्हें ज़्यादा गेन अप करते हैं एज़ कंपेरिजन ऑफ द इलिटरेट पर्सनस, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके मुकाबले में। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो है वहाँ का साक्षरता दर का कम होना बहुत ही गंभीर समस्या माना जाता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसियस ऑफ 2001, अगर 2000 के सेंसियस की हम बात करें, अ पर्सन एज्ड 7 ईयर्स, कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 साल है, जिसे हम एक बच्चा कह सकते हैं, एंड अबव या उससे ज़्यादा, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, इज़ ट्रीटेड एज लिटरेट, उसे हम साक्षर की तरह ट्रीट करेंगे या उसे हम पढ़ा लिखा मानेंगे। यानी 7 साल का बच्चा या उससे बड़ी उम्र का जो भी कोई व्यक्ति है जो कि आसानी से किसी भी भाषा में लिखी हुई किसी चीज़ को पढ़ सकता है, उसे समझ सकता है, तो उसे हम साक्षरता दर के अंदर हम उसे काउंट करेंगे। देयर हैज़ बीन अ स्टडी इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो लिटरेसी लेवल्स हैं इनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो सुधार हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द सेंसस ऑफ 2001 इज 64.84%, कि अगर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ की जो साक्षरता दर थी भारत की वो 64.84% थी, जिसमें अगर हम मेल्स की बात करें तो 75.26% जो है, यानी 75.26% उसमें मेल थे, आदमी पढ़े लिखे थे, और 53.67% जो है उसमें महिलाएं थी, फीमेल्स थे। वाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट, ये जो डिफरेंस है कि महिलाएं कम पढ़े लिखे हैं, पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसका जो मेजर डिफरेंस अगर हम देखें तो जो हमारे रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दिया जाता है, तो उसकी वजह भी जो है ये एक गैप जो लिटरेसी के अंदर है वो मायने रखता है। नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ इकोनॉमिकली एक्टिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि जो हमारी जनसंख्या का एक प्रतिशत हम निकालते हैं दैट इज़ इकोनॉमिकली एक्टिव, जो आर्थिक रूप से एक्टिव है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, तो वो हमारे विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस इज़ रिफर्ड टू द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जनसंख्या का जो वितरण है वो ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। कुछ लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ सेकेंडरी सर्विसेज कर रहे हैं, कुछ टेरिटरी सर्विसेज कर रहे हैं, तो अलग अलग जॉब्स में जो लोग लगे हुए हैं उसे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एन एनॉर्मियस वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशंस आर फाउंड इन एनी कंट्री, किसी भी देश में जो नौकरियां हैं या जो काम हैं वो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग वेराइटी उसमें होती है, भिन्नता होती है, और ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उन्हें हम तीन कैटेगरीज में या तीन श्रेणियों में हमें अलग अलग डिवाइड करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के कार्य, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सर्विसेज इंक्लूड की जाती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सेट्रा। अब हम बात करें कि प्राइमरी सेक्टर्स जो है उसके अंदर कौन कौन से जॉब्स आते हैं,
तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो है, कृषि करना है, पशुपालन है, जंगल में लकड़ियाँ काटना है, मछली पालन है, या फिर क्वेरिंग करना है, ये सारे के सारे जॉब्स जो हैं हम प्राइमरी सेगमेंट के अंदर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। अब जैसे कि सेकेंडरी की बात करते हैं, द्वितीय श्रेणी की जो कार्य है उनको अगर हम बात करें तो उसमें जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, फिर बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ को बनाने का काम किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, या हम कहें कि जो काम होता है घर बनाने का काम होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है उनको हम इस सेगमेंट में डालते हैं। टेरिटरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप जैसे ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, कम्युनिकेशन है, संचार के साधन हैं, कॉमर्स हैं, बिजनेसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है एंड अदर सर्विसेज हैं। ये सारे सर्विसेज जो हैं हम टेरिटरी या तृतीय श्रेणी की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर हम डालते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेराइज इन डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शंस होता है पीपल का, लोगों का ये जो हिस्सा होता है जो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग कार्य करते हैं, कि भाई टेरिटरी में कितने लोग हैं, प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी सेगमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं यानी विकसित देश और विकासशील देश जो होते हैं उनका अलग अलग होता है। डेवलप नेशंस जो होते हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, हैव अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो जो विकसित देश होते हैं उनकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसकी अगर हम बात करें तो वो सेकेंडरी और टेरिटरी जो हमारे क्राइटेरिया है जॉब्स का उसमें वो लोग काम करते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो टू हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्कफोर्स एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो उनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो है इन कामों के अंदर उनकी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं, इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। कि भारत की अगर टोटल जनसंख्या का हम आंकड़ा लेते हैं तो उसकी 64% जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में इन्वॉल्व है। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स, तो इसी तरीके से इज़ अबाउट 13-20% रिस्पेक्टिवली। तो और द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो कार्य हैं उनकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो सेकेंडरी जो आपकी हम बात करेंगे जो सेकेंडरी काम है उसके अंदर 13% इंडिया की इन्वॉल्व है, और टेरिटरी जो जॉब्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर हमारे देश की 20% जो जनसंख्या है वो इन्वॉल्व है। देयर हैज़ बीन एन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन रिसेंट टाइम। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो है प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में मूव कर रही है। क्यों, किस चीज़ का रिजल्ट है, कि जिस तरह से हमारी ग्रोइंग हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है या हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में या शहरीकरण में, हम कहें कि औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है रिसेंट समय में ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जनसंख्या जो है वो इन दोनों कार्यों की ओर अगर हम बात करें सेकेंडरी और टेरिटरी उनकी तरफ मूव कर रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है हेल्थ। तो हेल्थ जो है वो जनसंख्या को किस तरह से इफेक्ट करती है। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि जनसंख्या को कलेक्ट करने में या जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट तत्व माना जाता है, विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हमारे विकास के प्रोसेस को, हमारी विकास की गति को शो करता है, उसको इफेक्ट भी करता है, उसको प्रभावित भी करता है। सस्टेन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रनिंग में दे रखे हैं जिनकी वजह से यहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी हेल्थ के अंदर सफिशेंट यानी संतोषात्मक इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो किए जा सके। डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25 per 1000 पॉपुलेशन इन 1951 to 8.1%
1000 in 2001 and life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 64.6 years in year 2001. यानी इन आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो 1951 से लेकर और 2001 तक के जो आंकड़े हैं उनमें हमारी डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है, बट जो हमारी बर्थ रेट है उसमें इंक्रीज हुआ है. द सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज an application of modern medical practices in diagnosis and treatment of climate. और इस तरक्की का या इस डेवलपमेंट का या इस इम्प्रूवमेंट का कि हमारी जो डेथ रेट्स है वो कम हुई हैं, उनका रिजल्ट ये है कि कई तरीके से हमने जो है इम्प्रूवमेंट किया है हमारे देश की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके अंदर, जिसमें कि हमने ये पता लगा पाते हैं कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ जो होती है उसको कंट्रोल करना, या हम कहें कि जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट्स हैं वो हमारे कम हुए हैं. डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स द हेल्थ सिचुएशन इज़ अ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया. अगर हम करें कि उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो हेल्थ सिचुएशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा हम कहें कि मैटर है कंसर्न का फॉर इंडिया के लिए. द पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज़ मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल एंड माल न्यूट्रिशन afflicts a large percentage of our population. लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है तो उसको जो डेली जो कैलोरीज हमें या हम कहें कि जो चाहिए होता है रिकमेंडेड लेवल, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को इतनी कैलोरीज जो है वो मिलनी ही चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट करता है हमारे यहाँ की लार्ज पॉपुलेशन को. Safe drinking water and basic sanitation amenities are available to only 1/3 of the rural population. अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर आज भी एक तिहाई ऐसी जनसंख्या है जिसके पास साफ पीने का पानी नहीं है, या हम कहें कि जो बेसिक सैनिटेशन जो amenities हैं टॉयलेट्स वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे लेवल पर उनके पास में उपलब्ध नहीं हैं. दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल थ्रू एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी. जो और इन सब प्रॉब्लम्स को जो है हम तब सॉर्ट आउट कर सकते हैं जब हम एक निश्चित जनसंख्या कोई पॉलिसी लेके आएँ, कोई योजना लेके आएँ, तब हम जो है इन प्रॉब्लम्स को जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें एडोलसेंट पॉपुलेशन. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन. ये जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर की हम बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन का, तो वो है कि यहाँ पे जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है. इट कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. कि भारत की टोटल जनसंख्या का जो एक पाँचवा जो हिस्सा है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन हम मानते हैं, किशोर अवस्था जो कह सकते हैं हम. एडोलसेंट आर जनरली ग्रुप इन द एज ऑफ 10 to 19 years. एडोलसेंट जो एज होती है उसमें हम 10 से 19 साल के बच्चों को काउंट करते हैं. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर. और ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड ऑफ एडोलसेंट आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट. यानी एक साधारण बच्चे के लिए और एक साधारण वयस्क व्यक्ति के लिए जितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा क्वान्टिटी में इस एज ग्रुप को जो है न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है. यानी इनका खान पान जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन होती है. पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशेंसी. और अगर इनको पुअर न्यूट्रिशन मिलता है या इनको जो जितनी रिक्वायरमेंट इनको न्यूट्रिशन की होती है उतना अगर नहीं मिलता है तो इनको जो है डिफिशेंसी हो सकती है एंड स्टंट ग्रोथ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर जो इनकी ग्रोथ होती है जो एक्चुअली जो इनका डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है. बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट इज़ अन इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स. अगर हम सारे सोर्सेज के बाद भी अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो एडोलसेंट्स की डाइट है वो हम बैलेंस डाइट नहीं कह सकते हैं, वो एक इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स के अंदर अवेलेबल है. एंड लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल सफर फ्रॉम एनीमिया. अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जो हमारी एडोलसेंट में जो गर्ल्स हैं
उनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है. एनीमिया का मतलब खून की कमी होना. देयर प्रॉब्लम हैव सो फार नॉट रिसीव एडुकेट अटेंशन टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्योंकि उनको एडुकेट अटेंशन नहीं मिलता है, यानी फैमिली की तरफ से जो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए एक्चुअली में वो ध्यान नहीं रखा जाता, जो कि उनके डेवलपमेंट को रोक देता है. द एडोलसेंट गर्ल हैव टू सेंसिटिव द प्रॉब्लम ऑफ देयर कन्फ्रंट. और उनके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है सेंसिट करती है, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. देयर अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेटिंग अमंग देम. और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं गर्ल्स के अंदर जिनको नहीं नॉलेज होने की वजह से गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं उस चीज़ के लिए. तो इन सब चीज़ों को कि गर्ल्स को उनके फिज़िकल चीज़ों के बारे में या फिज़िकल डिजीज़ के बारे में अगर कोई एजुकेट कर सकता है, तो वो सबसे अगर मेन बात हम करें तो लिटरेसी एजुकेशन के थ्रू और अवेयरनेस के थ्रू कि गर्ल्स को हर चीज़ के बारे में अवेयर करवाया जा सके. देन दे हैव टू बी टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड दे हैव टू बी कंट्रोल देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स. देन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. अब स्टूडेंट्स, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मतलब है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या बनाई गई. रिकॉग्नाइजिंग दैट प्लानिंग ऑफ फैमिलीज, कि सबसे पहले इसके अंदर ये ढूंढा गया कि प्लानिंग ऑफ फैमिलीज होनी चाहिए, कि एक परिवार को नियोजित करना है, हमें उसको प्लान करना है, वुड बी इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर. और जब हम एक फैमिली को प्लान करते हैं, एक परिवार के लिए एक योजना बनाते हैं, तो उससे जो है इम्प्रूव होती है किसी भी एक व्यक्ति की हेल्थ और उसकी जो वेलफेयर्स हैं. क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए एक फैमिली में 10 कैंडिडेट्स हैं, तो जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है. और हो सकता है कि एक फैमिली में 4 पीपल हैं तो वो बहुत अच्छा खा सकते हैं. तो दैट इज़ द डिफरेंस, कि अगर हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो सरकार है, इनिशिएटेड द कॉम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन 1952. कि हमारे देश की जो फैमिली गवर्नमेंट है, उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसको स्टार्ट किया था 1952 में. द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस. ताकि उससे क्या है कि एक प्लान पेरेंटहुड, कि जब हम माता पिता बनते हैं तो हम हमारे लाइफ में कितने बच्चे होने चाहिए, हम कितने बच्चों का बोझ उठा सकते हैं, उन चीज़ों को बेसिकली ध्यान दिया गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज़ अ क्यूमिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान एफर्ट्स. तो वो 2000 तक अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया है. जैसे कि आज हम देखते हैं, पहले के टाइम में अगर आज से 20 साल पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि किसी फैमिली के अंदर 5 बच्चे हैं, किसी में 6 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं. लेकिन अगर आज हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो देर विल बी 2 किड्स इन अ फैमिली, 2 बच्चे एक फैमिली में होते हैं. तो द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age. और इसी पॉलिसी के अंदर ये भी फ्रेम अप किया गया कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा जब तक कि वो 14 साल का होता है. Reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 life birth, achieving universal immunizations of the children against all vaccine preventable disease, promoting delay marriage for girls and making family welfare a people centered program. और इसी पॉलिसी के अंदर हम बात करें तो जो बच्चों की जो वैक्सीनेशन है उसको ध्यान में रखा गया, कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉपरली इंजेक्शंस वगैरह जो टीके होते हैं वो प्रॉपरली उनको प्रोवाइड होने चाहिए, डिजीज़ से उनको प्रोटेक्ट करना है. प्रमोटिंग डिले मैरिज फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स की छोटी उम्र में शादी हो जाती है उसको भी कंट्रोल किया गया. एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम. और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू जो पीपल सेंटर्ड है, यानी लोगों को केंद्रित किया गया कि किस तरह से इन योजनाओं का लाभ हमें लेना है और किस तरह से हमें अपने फैमिली को कंट्रोल में करना है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.